देखिए ये अजमेर शरीफ का सदर बाज़ार है और यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ मिलती है, तो मैंने सोचा है कि आपको बता दूँ। एक से बढ़कर एक लाख की, और कौन सी सी वैरायटी है इन्हीं से पूछेंगे हम। वैसे तो ये बहुत बिजी रहते हैं हमेशा, इनके यहाँ हमेशा ग्राहक आपको नज़र ही आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि अजमेर के ही लोग आते हैं, बल्कि जो भी टूरिज़म आते हैं वो यहाँ आते हैं। जिनको लाख की चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है या कोई दूसरी वैरायटी भी है क्या, मैं ये बताऊँगी। डिटेल से बताती हूँ, ये जो दुकानदार है उनसे एक एक मतलब यहाँ कौन सी बनती है राजस्थान में क्वालिटी वाइज, और ये दुकान किधर है क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी बताइए, आपकी दुकान किधर है, क्या नाम है इसका? हेलो, मेरा नाम है इमरान खान और ये हमारी दुकान है जो हमारे दादाजी के नाम पर है, जिनका नाम है मुनीर खान। एक्चुअली नाम अभी लिखवाया नहीं है, किसी इसका प्रोसेस चल रहा है। हाँ मैंने देखा ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ, उसी प्रोसेस के चक्कर में हमारा चल नहीं रहा है। तो ये है दरगाह के बिल्कुल पास के अंदर एक बाजार है जो बहुत पुराना है, जो सदर बाजार है अजमेर का। यहाँ पर सब होलसेल का ही मार्केट है पूरा, और अभी आप जो देख रहे हो सब होलसेल की दुकान है, और हमारी भी होलसेल की है और रिटेल भी कर लेते हैं हम। तो और यहाँ पर आपको लाख की, सीप की, मेटल की और कांच की सभी तरह की चूड़ियाँ मिलेंगी, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं, और मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वेलवेट की है क्या? जी हाँ, वेलवेट की चूड़ी भी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बताइए पूरा डिटेल। जी अच्छा, ये मार्केट कितने साल पुराना है ये सदर बाजार का? जी ये तकरीबन 100 साल पुराना मार्केट है अजमेर का। सबसे पहला सदर बाजार है जहाँ पर होलसेल की मार्केटिंग होती थी, उसके अलावा फिर दरगाह क्षेत्र आ जाता था तो दरगाह के अंदर रिटेल चलता था। तो ये करीबन 100 साल पुराना बाजार है, और जो आप हमारी दुकान देख रहे हो ये हमारे दादाजी के वक्त की है, तो 80 साल से ये दुकान चल रही है। उनकी हम तीसरी पीढ़ी है जो ये इसी धंधे के अंदर है, और ये हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खानदानी पुश्तैनी धंधा है चूड़ी का। और अभी आपने जो हाथ में लिए हैं, हाँ, तो इसका क्या है, कौन सी क्वालिटी क्या है? जी आप ये जो देख रहे हैं ये लाख है, जो सिर्फ राजस्थान के अंदर बनती है। एक अजमेर में हम बनाते हैं और जयपुर के अंदर इसका बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और आप ये देख रहे हैं ये प्रिंट हाथ से की गई है, और ये हमारे द्वारा की गई है। और इसके अलावा और भी है जो खुद हम बनाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसका वर्क, इसका कलर, इसका डिजाइन, इसकी जो भी इसकी बनावट है वो हमारे द्वारा की गई है। एक्चुअली यहाँ अभी मॉडर्न वर्क आने की वजह से यहाँ पे वो भट्टी नहीं लगी हुई है, नहीं तो मैं आपको भट्टी भी दिखाता। और उसके अलावा ये देख रहे हैं आप राजस्थानी चूड़ा है, जो कि जिसे राजपूती चूड़ा भी कहा जाता है। आप जानेंगे कि राजस्थान के अंदर हमेशा राजपूतों का ही रहा है, तो जो ये शादी, किसी की शादी होती है, बहन बेटी या किसी को भी होता है, तो वो ये शगुन के तौर पर चढ़ाते हैं। तो ये हाथ से बना होता है, हमारे द्वारा बनाया जाता है, और इसकी नगीने और कारीगरी भी हाथ से ही की जाती है, किसी मशीन के द्वारा नहीं की जाती। और आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा ये जो चूड़े अभी चल रहे हैं ये राजस्थानी पैटर्न पे बना हुआ चूड़ा है, लाल, हरा, पीला, और इसके अंदर स्टोन जरी का वर्क, ये राजस्थान पैटर्न पर है। और इसके अलावा आप देखते हैं जैसे कि ये आइटम है, ये आइटम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सब वर्क यहीं पर ही होता है अजमेर के अंदर। और मैं आपको बता दूं ये वेलवेट की चूड़ी, ये देखिए ये एक मेटल की चूड़ी है, और मेटल की चूड़ी पर वेलवेट के कपड़े से वर्क किया गया है। इसमें हर कलर है क्या? इसमें हमारे पास कम से कम करीबन 50 कलर है। अच्छा, जैसा ड्रेस वैसा ड्रेस ले सकते हैं? हाँ जी हाँ, जैसी ड्रेस होती है उसके आगे पीछे चूड़ी बना के हम पूरा सेट बना देते हैं, जिससे मैचिंग हो जाती है। और इसमें कलर भी मिलेगा? उसमें कलर मिलेगा। ठीक, बीच में मतलब बहुत इधर से नॉइज आ रहा है। और अभी दूसरी कौन सी आपके पास? जी हाँ देखो, ये देखिए आप, ये एक्चुअली क्या लटकन होती है,
आपने बेसिकली देखा होगा पंजाबियों के अंदर वेडिंग के अंदर जो पहनी जाती है। हाँ, लेकिन अभी तो मुस्लिम्स लोग भी ये लचक जी पहन रहे हैं। ये उसी पैटर्न पे बनी है, इसको थोड़ा कम कर दिया है ताकि फैशन के ट्रेंड में चल जाए। उस हिसाब से ये मेटल के ऊपर है, बारीक वर्क है और ये लगाई गई, ये भी हमारे हाथ से ही बनाई गई है। हाथ से ही बनाई गई, बिल्कुल। ये जुड़ा है पूरा, जुड़ा, हाँ पूरा इसके इसका भी पूरा सेट बनता है, पूरा बकायदा बड़ा। और आप ये देखिए, ये हमारे, ये भी हमारे हाथ से बनती है और ये पुष्कर के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है। ये इसके अंदर हरा, पीला, लाल, पीला कलर तो रेत का प्रतीक है, लाल कलर सुहाग का और हरा कलर विश्व। आप क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। जैसा कि ये देख रहे हैं, इसके अंदर एक पीला है, लाल है और हरा है। पीला कलर तो रेत को दर्शाता है और लाल कलर सुहाग को और हरा कलर भी सुहाग को। तो इस हिसाब से ये राजस्थानी चूड़ा हो जाता है, जो कि पुष्कर और इसके आसपास के इलाकों में काफी अच्छा चलता है। सही में आपके पास एक से बढ़कर एक चूड़ियां है और चूड़े हैं। और ये जो लाख आप देख रहे हो ना, ये करीबन 500 साल से बनती हुई आ रही है। जो राजा महाराजा, जो यहाँ के पृथ्वीराज चौहान थे, जो राजपूत थे, वो भी इन्हीं को पहनते थे। और हमारे जो भाप दादा थे, जो भी थे, वो भी उन्हीं का काम करते थे। हम कारीगरी लोग हैं और ये हमारे हाथ से बनता है, शिल्पकला का है ये भी एक। अच्छा, प्राइस क्या है? हाँ, इसकी प्राइस जो है मार्केट के अंदर 100 रुपीज है। अच्छा, बिल्कुल। और अलग अलग प्राइस है, जैसे कि चार चूड़ी में है, दो कड़े में है, एक बड़ा सेट है। जैसे कि ये सेट देख रहे हो आप, ये 250 का है, पूरा सेट है। इसमें बंगड़ी है, चूड़ी है, कड़ा है और लाल पीली हरी चूड़ी है। अच्छा, तरह का जी, जैसे कि ये होलसेल मार्केट है, तो अगर अब पूरा होलसेल में लेते हो तो इसका रिजनेबल लग जाता है। जैसे कि अगर आप होलसेल में लोगे तो ये 100 रुपीज का पड़ेगा और वैसे रिटेल के अंदर 250-300 का बिकता है। और आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये भी काफी अच्छा है, ये भी हाथ से बनाया गया है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो हाथ से बनाई गई है हमारे द्वारा। इसके अंदर स्टोन, हाँ स्टोन नेचुरल रहता है, उसका हाँ, डिमांड ज्यादा रहता है नेचुरल। यहाँ पे जितनी भी चूड़ियां आपको दिख रही है सब हाथ से बनाई गई है, मशीन का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर बारीक बारीक नगीने हाथ से उठाकर कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो नीचे मेटल की लाख है, ये पेड़ पर उगती है, उसके बाद हमारे पास आती है, फिर इसे पिघलाकर इसका इसमें केमिकल वगैरह मिलाकर उसको पूरा करके पूरा बनाया जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी आई थी अभी RRR, उसके अंदर जो रामचरण थे वो एक बनाते हैं चूड़ी, ये वही चीज है। अच्छा, तो कितनी मेहनत से आप एक चूड़ी बनती है, एक चूड़ी है, काफी काफी कारीगर लगते हैं और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद एक चूड़ी बनती है और हाथ से बनती है। बताइए जरा जी। बहुत खूबसूरत है। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस है 200। अच्छा, दो की? दो की। और अगर होलसेल का पूरा बॉक्स लोगे तो 150 का पड़ता है। और उसमें कितने आते हैं? उसके अंदर चार का सेट आता है, एक दो दो करके चार सेट आएगा, एक बॉक्स आएगा ऐसा। अच्छा, और ये बॉक्स कितने का आप बता रहे? ये 300 का। अच्छा। और 600 का, सॉरी 600 का है, लेकिन होलसेल में? होलसेल की रेट बताइए, 200 का रिटेल में। अच्छा, तो ये चार है तो मतलब 600 में मिलेगा। हाँ, 600 में। और इससे जैसे कि आप, हमारे यहाँ मेले वगैरह चलते हैं राजस्थान के अंदर, जैसे उस मेला आया था अभी, उन मेलों के अंदर जो बिकता है वो आइटम ये है, ओनली 50 रुपए पे 8 चूड़ी। अच्छा, ये आइटम नहीं, ये सीप की है। सीप की है, ये प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के पदार्थ को है ना गला कर उसको चूड़ी का शेप दिया जाता है। अच्छा, और उसके ऊपर फिर केमिकल का वर्क होता है, फिर हाथ से ये कारीगरी की जाती है, देख सकते हैं। सही में बहुत खूबसूरत है। आपके पास जो भी दिखा रहे हैं आप, बहुत ही, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू। और ये जो है, ये इसका बता दिया, बता दिया आपने। ये प्लेन चूड़ी है, ये भी लाख की चूड़ी है, ये देख रहे हो आप, ये भी हाथ से बनाई जाती है। लाख को पिघला कर इस पर स्प्रे किया जाता है कलर का, जिससे ये शाइनिंग करे। और ये प्लेन चूड़ी है, सूट के हिसाब से आगे पीछे लगाकर पहनी जाती है। आजकल जो जॉब वाली गर्ल्स होती है या लेडीज होती है वो ये पहनकर अपना कर लेती है, क्योंकि राजस्थान में और हिंदुस्तान में कल्चर है इसका, चूड़ी पहनने का, सुहाग के तौर पे, सुहाग के तौर पे हाथ में चूड़ी रहना ही चाहिए। तो राजस्थान में सबसे लाख ही पहनी जाती है मोस्टली। कलर्स बताइए तो। इसमें मैं आपको कलर बता देता हूँ, सॉरी ये देखिए,
ये सभी कलर अवेलेबल हैं, और भी कलर आते हैं। और क्या है आपके पास? और जैसे कि आप ये देखो, कुंदन की चूड़ी है, इस पे पूरा कुंदन का वर्क हुआ हुआ है। मैं ये बोलने वाली थी, कुंदन का भी आप बताइए कुछ। मैंने अभी निकाला है कुंदन का, अभी पैकिंग नहीं हुआ, ये अभी हम बनकर ही आया है। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के पेपर से ही। ये तीन साइड कुंदन का वर्क है इसके अंदर, और ये भी हाथों से बनाया जाता है। घर की जो लेडीज होती है, जो की सक्षम नहीं होती कि बाहर जाकर कोई काम करे, इसलिए ये घर घर के अंदर दिया जाता है, ताकि वो अपने घर में बैठ कर ही इस काम को पूरा कर सके। सही में बहुत राजस्थानी बोलते ना, सब हैंडवर्क ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा हैंडवर्क है। और यहाँ पर जो लेडीज है ना, वो अपने हाथ से बनाती है, घर में बैठकर बनाती है ये सब। और काफी टाइम से बहुत पुराना काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक चूड़ी के वर्क में मशीनरी का काम बहुत कम है, तो हाथ से ही ज्यादातर काम है, आप देख सकते हो। और इसका मैं आपको चूड़ा भी बता देता हूँ, जैसे कि ये चूड़ियाँ थी और ये पूरा चूड़ा बना है इसका, ये देख रहे हैं, ये पूरा पूरी राजस्थानी डिजाइन दिख रही है इसमें। ये देखिए, क्योंकि राजस्थान हमेशा हरा भरा रंग बिरंगा रहा है, तो उसी पैटर्न के ऊपर चूड़ियां चलती है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस है 300 की, पूरे सेट की। बहुत कलरफुल है, बस एक पहन लो शादी में। हाँ, पूरा एक राजस्थानी टच आ जाता है, ऐसे राजपूती टच है पूरे अंदर है ना। हाँ। तो आपको जरूरी नहीं है कि इसमें अलग अलग कलर। हाँ, एक्चुअली लेडीज क्या करती हैं, सभी कलर के जो भी सूट साड़ी वगैरह होती है, वो इस हिसाब से एक चूड़ा ले जाती हैं और पहन लेती है। और ये बना भी राजपूती पैटर्न पे। हाँ, दिख रही है। बहुत लाजवाब। अभी कौन सी बता रहे आप? जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेटल की चूड़ियां हैं, ये भी स्टोन ही कहलाते हैं इसको, क्रिस्टल स्टोन कहते हैं इसको हमारे यहाँ। तो ये चार चूड़ी है, इसके अंदर दो कड़े भी आते हैं, मैं आपको दो कड़े दिखा देता हूँ। ये दो कड़े हैं, ये भी क्रिस्टल के अंदर ही है। अच्छा। और ऐसे बन के हम ऐसे सेट बना के ऐसा देते हैं। अब इसके अंदर कोई चूड़ी बंगड़ी कड़ा कुछ भी लगाकर एक अच्छा सेट बना के लेडीज के लिए तैयार हो जाए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो चूड़ा है ये क्रिस्टल का है, और ये भी हाथ से बना हुआ है। अच्छा, मैं तो समझी कि ये मशीन से बना हुआ है। जी हाँ, नहीं, ये हाथ से बना हुआ है। एक्चुअली मशीन में जो काम होता है ना, तो उसमें इतनी सफाई नहीं आती जितनी हाथ से नक्काशी की गई है, इसलिए इतना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। देखिए आप, सही बात है, बहुत। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 300 रुपए। 300 रुपए अगर होलसेल में लेंगे तो? होलसेल में लेंगे तो अपन को तकरीबन 120-130 के आसपास पड़ जाता है। अच्छा, तो ऐसे कितने जुड़े हैं इसमें आपके? इसमें 8 चूड़े हैं। अच्छा, 8 कड़े और चूड़ी अलग आती है, इसका सेट बनाकर दिया जाता है। अगर कोई चाहता है कि हम चूड़ी चूड़ी लें तो चूड़ी भी चल जाएगी। हाँ। और कड़े लें तो कड़े भी चल जाएंगे। 100 की चूड़ी और 100 के कड़े बिक जाते हैं, और हम होलसेल के अंदर 60 और 70 के आसपास में आपको दे देते हैं। और वेलवेट की जो चूड़ियां हैं उसके आपने रेट नहीं बताए। जी, ये जो जैसे कि अब ये वेलवेट की देख रहे हैं, ये 36 चूड़ी का एक सेट आता है पूरा। अगर कोई सेट बनाता है तो नौ चूड़ी साइड में लगा के उसका सेट बन जाता है, और इसकी जो रेट है वो है 100 रुपीज। 100 रुपीज है। और अगर आप होलसेल में लोगे तो हमारे से हम 50 रुपीज में आपको। बहुत बहुत। लेकिन होलसेल में कितना लेना पड़ेगा आपसे? हाँ, इसके लिए आपको करीबन किसी भी डिजाइन का, किसी पीस का कम से कम 30-40 डब्बे बॉक्स आपको लेने पड़ेंगे। तो तभी 50 रुपीज आएगा। नहीं, अगर ज्यादा फैमिली आती है, कोई सब लेना चाहते हैं, तो या अपने फैमिली के लिए ज्यादा लेके बॉम्बे जाना चाहते हैं या कहीं और जगह, अजमेर से कहीं और, तो कहीं और, तो वो ज्यादा लेके जा सकते कॉन्टेनर में, या कोई यहाँ से लेके जाके वहाँ सेल करना चाहता है बिजनेस भी। हाँ, उसके लिए भी हम कर देते हैं, हमारे जो डिस्काउंट होता है या इसी रेट में दे देते हैं। आप आइए हमारी दुकान पे, विजिट करिए और देखिए और लेके जाइए और बिजनेस करिए, चालू करिए। बहुत बहुत थैंक यू, आपने ना इतने अच्छे तरीके से बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, परी 786
ब्लॉग का, जिसने हमें ये मौका दिया हमसे बात करिए और हमारी जो कला है, हमारी जो कारीगरी है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, उसको आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक एक चीज इतनी बारीकी से बताई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा पीछे तो गाड़ियों की बहुत आवाजें आ रही है, क्या करें अभी, यहाँ तो ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें से ऑटो रिक्शा जैसे जो भी चीज गुजरती है तो आवाज मिलेगी, क्योंकि ये पूरा खुला मार्केट है। हाँ, तो अगर मैं व्यूअर से कहना चाहूंगा कुछ नॉइज में दिक्कत आए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और वैसे आपको बहुत अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है अजमेर में, बहुत नॉलेज वाला जी। थैंक यू सो मच। देखिए ये दुकान है श्रीनाथ बैंगल्स, तो चलते हैं यहाँ पे भी, शायद लाख कौन सी वैरायटी है, खाली देखते हैं। ये ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और दुआओं में खास याद रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं कुछ नई
या कुछ और